हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा कम्युनिकेशन टूल है जो कंप्यूटर्स को हमारे इंस्ट्रक्शन समझने में हेल्प करता है बीते कुछ सालों में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप हो चुकी हैं जैसे कि सी सी प्लस प्लस चावा पैथन रूबी और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से हम अपने खुद के प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से गेम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग एथिकल एखिंग को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं तो आइए अब जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कितने टाइप्स होते हैं बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के तीन टाइप्स होते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इस लैंग्वेज में कोड मशीन रीडेबल होते हैं ये लैंग्वेजेस डायरेक्टली मशीन इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं और इनके लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की भी ज़रूरत नहीं होती जिससे कि यह फास्टली रन हो पाते हैं इनके इन लैंग्वेजेस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है इस लैंग्वेज में कोड पार्शियली ह्यूमन रीडेबल और पार्शियली मशीन रीडेबल होते हैं ये लैंग्वेज़स हार्डवेयर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को हैंडल करते हैं जिससे कि कोड एफिशेंटली वर्क कर सके इनके एग्जाम्पल्स हैं सी सी प्लस प्लस सी हैश हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत होती है जिससे कि वह प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सके इस लैंग्वेज में भी कोड ह्यूमन रीडेबल होता है इन लैंग्वेजेस से हम यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और वेबसाइट्स भी बना सकते हैं इनके एग्जाम्पल्स हैं पाइथन जावा जावा स्क्रिप्ट पी एच और स्विफ्ट तो दोस्तों आपको पता है कि फॉरटन दुनिया की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसकी फुल फॉर्म form है फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो नाइनटीन में आई के द्वारा डेवलप की गई थी जिससे कि साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कम्पिटिशन कर सके दोस्तों क्या आपको पता है कि फॉरटन के बाद सेकंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी डेवलप हुई थी अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें तो दोस्तों आइए अब हम कुछ मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बात कर लेते हैं हमारी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन पाइथन एक यूजर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई है पाइथन ओपन सोर्स है और इसे सीखना भी बहुत ही आसान है पाइथन नाइनटीन में गोडियो वैन रोसम द्वारा बनाई गई थी पाइथन सबसे ज़्यादा मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी यू आई एप्लीकेशन और रोबोटिक्स में यूज़ होती है हमारी दूसरी लैंग्वेज है जावा जावा एक सिंपल सिक्योर किसी भी प्लेटफॉर्म मतलब विंडोज़ मैक या फिर लिनक्स पर चलने वाली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा 1995 में सन माइक्रोसिस्टम्स के द्वारा डेवलप की गई थी जावा में लिखे गए कोड को इजीली कंपाइल या डिबक किया जा सकता है जावा मेनली एंड्रॉयड डेस्कटॉप और वेब एप्लीकेशन में यूज़ होती है हमारी तीसरी लैंग्वेज है कोटलिन। कोटलिन एक मॉडर्न किसी भी प्लेटफॉर्म पर चलने वाली स्टैटिकली टाइप जनरल पर्पस के लिए यूज की जाने वाली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कॉटलिन बहुत ही इजी है और इसका सिंटैक्स भी बहुत ही इजी है कोटलिन 2011 में जेट ब्रेन्स द्वारा बनाई गई थी कॉटलिन ज़्यादातर एंड्रॉयड एप्स बनाने में यूज होती है हमारी चौथी लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट एक टाइप की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों में यूज़ होती है जावा स्क्रिप्ट नाइनटीन में नेटस्केप नेविगेटर वेब ब्राउजर के लिए बनाई गई थी यह प्रोग्रामर्स को वेब पेजेस, डायनामिक वेबसाइट्स सर्वर वेब गेम्स बनाने में हेल्प करती है हमारी फिफ्थ लैंग्वेज है C++। C++ एक हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ज़्यादातर सिस्टम प्रोग्रामिंग गेम डेवलपमेंट और डेस्कटॉप डेवलपमेंट में यूज़ होती है अगर आपको इस लैंग्वेज को सीखना है तो आपको पहले पॉइंटर मेमोरी मैनेजमेंट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसे टॉपिक्स के बारे में पता होना जरूरी है तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें